जैसा कि आप लोग जानते हैं अशोक सर आप लोगों को विषय के अंतर्गत कई रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो से रूबरू कराते आ रहे हैं। उनकी बातें बेहद ही दिलचस्प होती हैं। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं, जिसका शीर्षक है मित्रता। ये लिखी गई है आधुनिक भारत के निबंधकारों में जनक, आधुनिक भारत के निबंध के जनक कहे जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो उनकी जो बातें होती है वो कई दर कई एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती है, मानो बहुत ही छोटी छोटी बातें वो कहते हैं लेकिन बहुत ही मजबूती से पकड़ते हैं दर्शकों के मानस पटल को, और वो आपस में इस कदर जुड़ी हुई होती है कि एक बहुत ही मजबूत जंजीर का आकार ले लेती है। तो चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखे गए मित्रता नामक निबंध की आज हम लोग चर्चा करते हैं। जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में अपनी स्थिति जमाना चाहता है तो उसे जो सबसे पहला कठिनाई का सामना करना पड़ता है वो है मित्र का चयन। इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि वो बिल्कुल ही एकांत या अकेलेपन से दूर हो जाता है और उसकी जान पहचान धड़ाधड़ लोगों से बढ़ते रहती है। बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोगों से उसका हेल मेल या मेल जोल हो जाता है। यही हेल मेल या मेल जोल बढ़ते 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 मित्रता के रूप में परिणत हो जाती है, अर्थात बदल जाती है। मित्रों के चुनाव में उपयुक्तता उसके जीवन के सफलता और असफलता को प्रभावित करती है, क्योंकि संगति का गुप्त तथा सार्थक प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं और उनका संस्कार हम ग्रहण करते हैं, हमारे संस्कार वे लोग ग्रहण करते हैं। हमारा चित्त जो है वो बहुत ही कोमल रहता है, तुरंत ही संस्कार को ग्रहण कर लेता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व होती है, क्योंकि उस समय में तो हमें खुद को ढालने की क्षमता नहीं रहती। नया नया हम लोग मित्रता के ओर अग्रसर होते हैं तो जो जो कहता है वो सारी बातें हम लोग सुनते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी जो है उससे कोई भी मूर्ति बनाई जा सकती है, नए रिश्ते में कोई भी भाव डाले जा सकते हैं। चाहे आप मित्र में राक्षस के भाव डालिए या देवता के। तो ऐसे समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत ही बुरा माना जाता है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि उनकी बातें हम लोग बिना विरोध के ही मानेंगे। ऐसे लोगों के साथ रहना तो और भी बुरा है जो हमारे ऊपर हमारी ही बातों को थोपते रहते हैं, हमारे ऊपर अपनी बातें थोपते रहते हैं। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। इस दशा में हम कोई भी अपने ऊपर नियंत्रण रख ही नहीं पाते हैं कि क्या करे क्या न करे, और ऐसी भी बातें हो सकती है कि कोई बहुत ही संकल्पशील आदमी हो तो उसके सामने भी हमारी एक नहीं चलती है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है वो ये कि युवक लोग जो होते हैं वो अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में भी अगर हम लोग विवेक से काम ले तो हम लोग कुछ नए मार्ग निकाल सकते हैं, पर विवेक से काम लेना सहज नहीं होता है। कितनी आश्चर्य की बात है ना कि लोग एक कलम खरीदते हैं, हम कहेंगे यहाँ या एक घोड़ा खरीदते हैं तो उसके 100 गुण अवगुण को निकालते हैं। महंगा है सस्ता है, एक स्त्री अगर साड़ी खरीदने जाती है तो महंगी है सस्ती है, हजार तरह के तोल मोल करते हैं। लेकिन जब वही मित्रता की परख करने की बात आती है, मित्र बनाने की बात आती है तो उस पर हम लोग जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। उसके आचरण और स्वभाव और उसके विचार के अनुसंधान करने की क्षमता पर जरा भी हमारा ध्यान नहीं जाता है।
हम लोग तो बस उसमें अच्छा ही अच्छा देख करके उसे अपना मित्र मान लेते हैं। किसी का चेहरा हंसता हुआ है, किसी का बातचीत करने का ढंग, थोड़ा सा चतुराई, साहस, यही दो चार बातें और चटपटी अंदाज देख करके हम उसे अपना मित्र बना लेते हैं। ये कौन सी बहादुरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मित्रता का उद्देश्य क्या है। मित्रता जो होनी चाहिए वो किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में नहीं, उसका लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इन सब बातों पे हम लोग विचार नहीं करते हैं।